दिल्ली के जहां पर सीलिंग के खिलाफ आज व्यापारियों ने बंद बुलाया है और साथ ही महारैली का आयोजन किया है। आज दिल्ली में 25,000 से ज्यादा दुकानें बंद रहेंगी। इस बंद के दौरान रामलीला मैदान में एक विशाल रैली का भी आयोजन किया गया है, जिसमें 1,00,000 लोगों के जुटने की संभावना है। इस महारैली का सभी राजनीतिक दलों ने भी समर्थन करने का ऐलान किया है। सबका समर्थन है और रामलीला रैली को सफल बनाने के लिए व्यापारियों ने 500 बसों की व्यवस्था भी की है। व्यापारियों के मुताबिक दिल्ली में पिछले 3 महीने में 4,000 से अधिक दुकानें सील हो चुकी हैं, लेकिन इस समस्या का समाधान अब तक नहीं निकल पाया है। व्यापारियों की मांग है कि केंद्र सरकार तुरंत एक बिल या अध्यादेश लाकर सीलिंग की कार्रवाई को रोका जाए।